तो वही है, फेक ड्रोन शॉट लेने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का जुगाड़ करना होगा जिसमें हम मोबाइल फ़ोन को फंसा सकें। तो यहाँ पे तुम्हारे भाई ने किया कुछ इस तरीके से जुगाड़, आप टेप वेप मार के अगर आपके पास मिनी ट्राइपॉड नहीं है तो कर सकते हो। फिर हमने आगे जो किया वो देखो। सो गाइस यहाँ पे हमारा हो चुका है ये लग्गा लग्गी तैयार। तो हमने इसमें बांस में कुछ इस तरीके से बांध के रखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्राइपॉड है, ठीक है, व्लॉगिंग के लिए होता है। तो हमने इसको ऐसे कुछ जुगाड़ करके कुछ रस्सी वस्सी लगा के मस्त बांधा हुआ है और ये बांस कुछ इस तरीके का है। तो हम इसी से करेंगे फेक ड्रोन का जो है वो शॉट लेंगे। तो कुछ इस तरीके से पकड़ के यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसा करके ऐसा ऐसा कुछ करके लूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लेना है फेक ड्रोन शॉट। तो यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर में अच्छे से मोबाइल को फंसा देना है जिससे आपका फोन गिरे नहीं। तो चलिए शॉट लेते हैं। तो भाई यही शॉट में आपको ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है, यानी कि जो आगे बंदा चल रहा है उसको आपको रिकॉर्ड करना है हवे में डंडे को रख के, और यहाँ पे आपको पैर को आराम आराम से रखना है। और फिर जब आपका वीडियो रिकॉर्ड होके सामने आएगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। और ये वाला शॉट भी सेम उसी तरीके से लिया गया है जिससे कि आपने पहले देखा है, तो काफी कमाल का लग रहा होगा आपको। तो लाइक कर दो वीडियो को अभी। तो गाइस यहाँ पे हमने जो है वो अभी शूट किया इसको और अभी हमारा जो है वो ट्राइपॉड गिरने की वजह से टूट गया, और दिखाता हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पे देखो, ये देखो हमारा जो ट्राइपॉड है वो भी इसी तरीके से वो गिर गया, क्योंकि यहाँ पे अभी गिरा तो टूट गया। कोई नहीं, आगे का शॉट लेते हैं। इस शॉट में कुछ इस तरीके से आपको लेके जाना है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके पीछे पीछे आपको चलते जाना है बिना किसी मूवमेंट के। आपकी वीडियो सेक ना हो, पैर को आराम आराम से रखना है और ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है, ठीक है। फिर जो शॉट निकलेगा, इस शॉट में गांठ टूटने की भी संभावना हो सकती है, तो मजे लेकर और आराम से करें। इस शॉट में आपको कैमरे को थोड़ा सा आगे ले जाना है और अपने मॉडल को बोलना है कि ऊपर से जाए और कुछ इस तरीके से अपने फोन को आगे की तरफ लेके जाना है। बेसिकली ये वाला शॉट बड़े बड़े शादियों में जो है वो क्रेन से लिया जाता है, बट यहाँ पे आप ऊपर से ले आकर कुछ इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हो। और फिर उसके बाद जो आउटपुट निकलेगा वो काफी कमाल का लगेगा, और ये क्रेन वाला शॉट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो भैया इस शॉट में आपकी कमर में मोच आ सकती है और उसके बाद मूव भी लगाना पड़ सकता है, और आप बोलोगे कि भैया वी के भाई ने ये क्या कर दिया। तो यहाँ पे आपको अपने जो है वो ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है और उसके बाद कैमरे को आगे की तरफ लेके जाना है। नहीं समझ में आया, ये देखो आपको यहाँ पे ट्रैक करते हुए कुछ इस तरीके से कैमरे को ले जाकर अपने ऑब्जेक्ट को रिवील करना होता है, और ये शॉट आप अपने शॉर्ट मूवी में बना सकते हो। काफ़ी कमाल का और डेंजर लगेगा। इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी विलेन की एंट्री हो रही है, लग रहा है तो लाइक करके जाओ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। इसमें वही सेम प्रोसेस रहेगा कि आपको कैमरे को आगे की तरफ ले जाकर फेस की तरफ ले जाना है और अपने हैंडसम चेहरे को रिवील करना है। तो देखो इस शॉट को लेते लेते तुम्हारे भाई की गांठ टूटते टूटते बच गई। खैर शॉट पे आते हैं, तो आपको इसमें नेचर को एक्सप्लोर करना है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो ट्री के पास से ले जाकर आपको हाइट पे ले जाना है ड्रोन को, और यहाँ पे शॉट निकल कर कुछ इस तरीके का आएगा। देखो सो गाइस अब अपना काम हो गया है शूटिंग का खत्म, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इसको एडिट करके, ठीक है। तो जितने भी ये मैंने फेक ड्रोन जो है वो शूट किए हैं सीन्स, ये आप शूट कर सकते हो अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल है और ड्रोन नहीं है तो ये फेक ड्रोन आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए अब आपको मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ और फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ कि कैसा बना है। बहुत मेहनत करवाया है तुम लोगों ने, लाइक कर देना।